ओके, जो ग्रुप ऑफ पीपल दे लिव टुगेदर इज कॉल्ड अ फैमिली, बट नेम ऑफ दिस यूनिट इज चेंजिंग फैमिली. समटाइम्स इट हैपेंस, कभी कभी ऐसा होता है, देयर इज चेंज इन आवर फैमिली, हमारी ही फैमिली में देयर इज चेंज. लाइक नाउ यू ऑल आर द फोर्थ चाइल्ड, इफ यू आर फर्स्ट चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स, अगर मम्मी पापा के फर्स्ट चाइल्ड हो, देन यू विल हैव अ यंगर ब्रदर और सिस्टर, दैट टाइम यू विल हैव चेंज इन योर फैमिली. उस टाइम में हमारी फैमिली में देयर आर चेंजेस. और इफ यू हैव एल्डर ब्रदर और सिस्टर एंड ही इज गोइंग टू गो इन द कॉलेज, अगर वो कॉलेज जाने वाला है, दैट टाइम यू विल बी हैविंग चेंज इन योर फैमिली. सो दिस लेसन इज अबाउट डिफरेंट वे इन व्हिच देयर आर चेंजेस इन अ फैमिली. आई टेल यू थ्री डिफरेंट वेज इन व्हिच देयर आर चेंजेस इन अ फैमिली. हमारी फैमिली में थ्री डिफरेंट तरीके से और भी डिफरेंट तरीके से, फोर फाइव डिफरेंट तरीके से चेंज होता है फैमिली. प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम राइटिंग गुड मॉर्निंग्स, मुझे वीडियो दिखाई देता है तो मैं देख लेती हूँ कौन है, फुल टाइम स्ट्रेट एंड लिसन. हमारी फैमिली मतलब जो लोग हमारे घर में साथ में ग्रुप में रहते हैं, मदर फादर चिल्ड्रन, समटाइम दादी दादा, चाची चाचा, कजिन्स, दैट इज द फैमिली. एंड वी हैव चेंज इन फैमिली ड्यू टू सर्टेन रीजंस. हमारी फैमिली में कुछ रीजंस के कारण देयर आर चेंजेस इन दिस यूनिट. वी आर गोइंग टू लर्न दैट मेबी देयर आर चेंजेस ड्यू टू सर्टेन रीजंस. देयर इज अ अराइवल ऑफ अ न्यू बेबी. दिस बेबी इज बोर्न यस्टरडे ओनली. वी हैव लर्नड अबाउट अराइवल. अराइवल मतलब गुड मॉर्निंग व्हाट डू यू मीन बाय अराइवल प्रियंका? व्हाट डू यू मीन बाय अराइवल? अराइव होना तू कम लाइक यस्टरडे आई टोल्ड यू ऑल अराइवल टाइम ऑफ ट्री, ट्रेन का अराइवल टाइम, आने का टाइम, वैसे ही अराइवल ऑफ बेबी. बेबी इज बोर्न. बेबी अगर बोर्न होता है किसी चीज में तो फैमिली में चेंज आता है, बिकॉज नंबर ऑफ मेंबर में चेंज, योर मदर्स वर्क में चेंज, योर वर्क एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में चेंज, योर ग्रैंड पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो जाती है, पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो जाती है, मदर हैज टू टेक केयर ऑफ द लिटिल बेबी, मम्मी को पूरा ध्यान छोटे बेबी को देना होता है, तो बड़े वाले बेबी को पापा को देखना पड़ता है, एंड सम ऑफ द वर्क योर फादर हैज टू डू जो तुम्हारी मम्मी करती थी. वन रीजन दिस. अनदर रीजन ट्रांसफर. अगर पापा का मनी ट्रांसफर हो जाए या फिर योर एल्डर ब्रदर और सिस्टर गोज ऑफ टू द कॉलेज फॉर हायर स्टडीज, अगर भैया या बेटी हायर स्टडी के लिए बाहर चले जाए, या कभी भी हमारे पापा का प्रमोशन हो जाए, ट्रांसफर हो जाए कहीं और दूसरे सेंटर में चले जाओ, दैट टाइम देयर विल बी चेंज इन फैमिली, बिकॉज नाउ यू आर. ऐसा तो नहीं होगा कि पापा का ट्रांसफर हुआ तो मम्मी का भी ट्रांसफर हो जाएगा, है ना? कभी कभी दोनों पेरेंट्स अगर वर्किंग है, मम्मी पापा, देन मम्मी हैज टू स्टे अवे इन सम अदर प्लेस, पापा हैज टू स्टे अवे सम अदर प्लेस, और व्हेन यू आर मूविंग टू अ न्यू प्लेस दैट टाइम यू हैव टू एडजस्ट, यू हैव टू मेक न्यू फ्रेंड्स, पूरा सराउंडिंग चेंज हो जाएगा, दैट इज द सेकंड रीजन. एंड थर्ड चेंज इन द फैमिली इज वेडिंग. वेडिंग मतलब लाइक इफ यू हैव भाई या बड़ी बहन है, तो थोड़े सालों के बाद में जब दीदी की शादी हो जाएगी या फिर भैया की शादी हो जाएगी, इफ यू हैव अ एल्डर सिस्टर, बड़ी दीदी है तो वो शादी करके वो चली जाएगी घर से, तो एक मेंबर कम हो जाएगा, और अगर भैया है तो उनकी ब्राइड आ जाएगी घर में, तो एक मेंबर ज्यादा हो जाएगा घर में, तो वेडिंग इज वन ऑफ द रीजन. वन मोर रीजन कैन नॉट टेल मी, एक और रीजन हो सकता है हमारी फैमिली में चेंज का, हमारी फैमिली में और एक रीजन हो सकता है. रीजन तो थ्री रीजन है. इफ एनीवन केस नो सम अदर रीजन फॉर चेंज इन द फैमिली. राघव सिंह राव के मैम पुराने जमाने में वो जब लड़की होती थी तो वो उनको चेंज कर देते थे और ना लड़का ले लेते थे. हाँ ऐसा भी हो सकता क्या है, बट बेबी आया ना घर में, दैट इज इंक्लूडेड इन. ऐसा नहीं कर रहे थे वो, उनमें डिफरेंशिएट कर रहे थे कि तो जेंडर वाइज डिफरेंशिएशन, बट ऐसे लड़का लड़की एक्सचेंज नहीं करते थे. मे बी इन सर्टेन फैमिलीज कुछ एक्सेप्शन
एक्सेप्शन होते हैं वहां पे किया होगा जो तुमने पढ़ा होगा. अदर देन दीस थ्री रीजंस डू यू नो सम अदर रीजन जिससे फैमिली में चेंज हो सकता है? इट इज नॉट अ गुड रीजन, इट इज अ बैड रीजन, बट आई टेल यू जगह को भी नहीं आता है. जितना नहीं आता कोई आप सोच के देखो. आता है बेबी मैम, आता है मुझे. हाँ बोल जलश ने डेथ. यस इफ समवन पासेस अवे इन अ फैमिली समटाइम्स ऐसा होता है. इट शुड नॉट हैपन बी इज अ बैड रीजन बट समटाइम्स इट हैपेंस. कभी कुछ हो गया, कोई बीमार हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, बहुत फंड हो गया, तो देयर इज डेथ इन अ फैमिली समवन पासेस अवे इन अ फैमिली देन देयर इज चेंज इन द फैमिली. ओके सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन. वेडिंग के साइड का नहीं दिख रहा. कोविड के टाइम में तुम लोगों ने बहुत जगह पे देखा होगा कि लॉट ऑफ फैमिलीज दे हैव गॉन थ्रू दिस लास्ट रीजन, है ना. कोविड के कारण मेनी पीपल पास अवे, सो देयर वाज लॉट ऑफ चेंज इन द फैमिली बिकॉज कोविड है, बाकी लोगों को भी कोविड हो गया. And then so there are these are the four reasons. If you want to put it down somewhere at the top of your textbook, sirf reason ke naam yahan kahin top mein likhna. Reasons. These are the reasons for the changes in the family. Then I grab the board and I ask you. When you see which area you have to speak, then read it. What are the reasons for changes in the family? Baby. If there is transfer or shifting, transfer from one place or shifting from one place to another place. Next is wedding. या फिर शादी होना किसी का भी कोई होता है या जाता है. Last one is the bad news, which is death of a family member. Okay, you can note down this. You will find that आप मृत्यु जाए तो उससे कुछ भी नहीं रहेगा. मृत्युंजय खाली पढ़ाई मेरे क्लास में. ओके चले रहा हूँ ना, चले रहा. यस मैम, यस मैम. चलो हम अंदर से चेक करते हैं. इन्हें चेंजेस के मनुष्य से एनी वन प्लीज और चेंज इन द फैमिली. Manasvi Kucheria, tell me one reason. Yes, ma'am. Tell me one reason for change in family. एक मेरा क्या था अपने घर में चीज कब होगा? मैंने आपने जो कल लिखा था वो मेरा हुआ नहीं था. लिखो मत, तुम सोच के बोलो. थोड़ी दीदी हो और तुम्हारी सिस्टर घर में आई थी, बॉल हुई थी, तो थोड़ा चेंजेस हुआ था ना. मम्मी दांशी का ध्यान रखने लग गई थी तुमको छोड़कर. ऐसा कुछ हुआ? नो मैम. पापा तुम्हारा टेंशन है ना. सो फर्स्ट रीजन है, फर्स्ट रीजन टू चेंज ऑफ स्टेट. शैल आई टेल मैम? मैम मेरा शैल आई टेल मैम? शैल आई टेल मैम? Second reason. मैम सिस्टर्स वेडिंग. सिस्टर्स वेडिंग, तुम्हारी बड़ी दीदी की शादी हो गई और वो शादी ऊपर चली गई, तो दैट इज सेकंड रीजन. नाउ ईशा पालीवाल, टेल मी थर्ड रीजन. न्यू बेबी बॉर्न. मैम सारे मिला के शायद एक और भी हो सकता है. एक मिनट पहले ये वाला करते हैं फिर मैं पूछूंगी. एंड फोर्थ रीजन शाम, टेल मी फोर्थ रीजन. विशांत टेल मी फोर्थ रीजन. हायर स्टडीज. That is shifting from one place to another. वाले में आपके आपको tell ma'am. इसके अलावा एक और tell ma'am. That too. That too. You tell ma'am. Jealous is going to tell us one more reason. Jealous बताओ एक और. इनको क्या बता रहे थे?
मैम क्या ये हो सकता है, जैसे किसी को जॉब लग गई है उसकी, तो उसे दूसरी सिटी में एडजस्ट होना पड़ेगा और हम सबको दूसरी सिटी। दैट कम्स अंडर शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वो जो थर्ड रीजन मैंने लिखा था वो उसके अंडर आता है, शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अंडरस्टूड? नाउ इन दिस यूनिट ऑल दीज रीजंस, मनस्वी को जो समझ में नहीं आया था मनस्वी अभी अच्छे से सुना। फर्स्ट रीजन लिविंग ऑन, सेकेंड रीजन शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसी के अंदर ट्रांसफर, हायर स्टडीज, प्रमोशन एंड चैलेंज। थर्ड रीजन वॉज वेडिंग एंड फोर्थ रीजन वॉज डेथ। ओके, इस अलग अलग फैमिली के नाम दिए हैं और अलग अलग फैमिली दिए हैं टेक्स्ट में, सबके तुमको नेम याद रखने पड़ेंगे, इसे अच्छे से सुन। ओके, सो टुडे फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वन ऑफ द फैमिलीज वेयर देयर वाज चेंज इन फैमिली ड्यू टू द अराइवल ऑफ अ न्यू बेबी। चेंज इन फैमिलीज, हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ फैमिलीज। दीज आर द फैमिलीज ऑफ निम्मी, तेजी एंड नाजिम। ये तीन लोगों की फैमिली के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन, इसको अंडरलाइन कर दो। फर्स्ट इज निम्मीज फैमिली, सेकंड इज टेजरिंग फैमिली एंड थर्ड इज नाजलीज फैमिली। यू कैन अंडरलाइन दिस वन। लेट अस लुक एट द पिक्चर्स, टॉक अबाउट व्हाट वी सी एंड डिस्कस। अ न्यू अराइवल, मैंने कल ही तुमको अराइवल वर्ड आई टॉट यू यस्टरडे ओनली। अराइवल मतलब आना, किसी का हमारे घर में आना, तो न्यू बेबी का आना। लाइक व्हेन यू सी दिस फैमिली, ये फैमिली में सम पीपल आर गोइंग टू अ हॉस्पिटल। ओके, दिस ग्रैंड मदर इज गोइंग एंड निम्मी इज गोइंग एंड दिस फादर इज गोइंग टू अ हॉस्पिटल एंड हियर यू कैन सी पिक्चर ऑफ अ न्यू बेबी इज बॉर्न। ओके, सो द न्यू अराइवल, यहाँ पे ब्रैकेट में यू कैन राइट अ बेबी इज बॉर्न, अ बेबी इज बॉर्न। Okay, here are some pictures of there is a great excitement in Nimmi's family. ये जो family है वो किसकी family है, नाम याद रखना है, इसके नीचे लिखा NIMMI Nimmi. She has a new baby sister. Now if I ask you a question, Isha Paliwal tell me why they the change in Nimmi's family. New sister born. Or if I want to write it in a little proper way, I am very warm and proper and right. But I write it new baby born. Arrival of a new baby. Why did you change in Nimmi's family? Nimmi's family was changed for the arrival of a due arrival of baby sister. Just you have to just keep in mind. This question can be asked for give reason also. Like give reason for there was change in Nimmi's family. Because of arrival of, due to arrival of baby sister. Now come down. Earlier, how many members were there in the family? 1, 2, 3, 4. Four members there. Mummy, Papa, Dadi, or Nimmi. Now when baby sister came, so yahan pe dekho is picture mein, you can see mummy, mother, father, grandmother, baby, and Nimmi. So now how many members are there in the family? कितने member होते हैं family में भी? मैं five members. Five members. Now when you come down here, now there are five members. Now Nimmi is very excited. Nimmi बहुत excited. First question is who were the members of Nimmi's family before the arrival of her baby sister? उसकी baby sister आने के पहले उसके घर में कौन-कौन members थे? Niyati tell me. Niyati बोलो. Who all members were there in his family before the कौन कौन था? Who
नियति टेल नीति नीति एंड नीति कौन सा है आपके घर में मैम ग्रैंडमदर मदर मैम रियाना है ना वो फ्लावर्स ये सब चैट में भेज एक मिनट रियाना चले रिमूव यू फ्रॉम द क्लास रियाना मानो मैं पढ़ाओ रियाना चले रिमूव यू फ्रॉम द क्लास और मैम जब आपने नियति से पूछा था ना नियति ने नहीं राघव सिंह राव ने आंसर दिया था राघव सिंह राव को तो मैं निकाल ही देती हूँ क्लास से राघव सिंह राव मेनी 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 टाइम्स आई गिव यू वार्निंग राघव सिंह राव तुम इंग्लिश क्लास में आई हो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन निम्बी फैमिली नाउ Now I am expecting 1, 2, 3, and 4 members. Now, who is added? Baby sister is added. So now there are 5 members in the family. There is no problem. I have to complete portion in question number 14. Now I will tell you a little bit about it. So it is easy for you all to understand. So you will learn from Aliyah. If you listen well, you will understand. Okay? Now when, if you are not listening to me properly, I have to rush the portion. If I rush the portion, you will not be able to understand what is going on. Okay? Aliyah, everything class in the video or sunayi, to sab subject mein achche se samajh mein aayegi. Understood? Class attend nahi karoge, kabhi kabhi karoge, to kuch nahi samajh mein aayega. Before I am since I stayed everyone, next time when we come down, to the next part. This was the change in Nimmi's family due to the arrival of baby sister. Now when baby sister comes to our house, when baby sister hamare ghar mein aayi, so sabki responsibilities will change. Like your father has to take care of the kitchen work also. Papa ko thoda kitchen mein help karna padega. That your mother used to, jo Nimmi ki mamma karti hongi, ke wo kitchen ka kaam karti hongi. Abhi mamma kitchen ka kaam nahi kar sakti. She has to take care of the little baby. तो उन्हें बेबी का ध्यान रखना पड़ेगा निम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आल्सो चेंज निम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों चेंज हो जाएंगी हु विल टेल जगत यू टेल मी दिस वन निम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या चेंज आएगा जगत मैम क्योंकि वो अब अकेली थी अब उसपे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि अब वो छोटी अब उसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए उससे और उसको अपना काम खुद करना पड़ेगा She has to take care of herself on a cook. और मैं पहले हर चीज जो मिलती थी वो खुद ही खा जाती थी अब उसे भी देना पड़ेगा very very good. Now she has to share her things. उसको अपने सामान को she has to share with her little sister. She has to take care of her little sister. She has to help her mother and she has to do her homework on her उसको अपना homework खुद करना पड़ेगा अपना bag पैक करना पड़ेगा she has to take food on her she has to keep her things in proper place so that her mother should not have any trouble मम्मी को ज्यादा परेशानी नहीं इसके लिए उसको थोड़ा मम्मी का भी हेल्प करना पड़ेगा सो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी चेंज हो गई पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी चेंज हो गई मम्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी चेंज हो गई नाउ मम्मा has to take care of her baby she has to take care of mummy also and she has to take care of little baby also इसलिए को परेशान करते हो तो थोड़ा सोचा करो कि मम्मी को कितने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है she has to take care of the house she has to cook for you तुम्हारे सब ड्रेस सब हमेशा वॉश करके रखना एवरीथिंग देन अदर देन दिस यू आर नॉट कंप्लीटिंग योर वर्क और टीचर तुम्हें नोट पे नोट और तुम्हारा नेम ग्रुप में डालते जा रहे हैं तो मम्मी को एक और स्ट्रेस हो जाता है इसलिए यू शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर मदर
and her help her in her responsibilities. Okay. Now when you come down in this one, see, how do you think the lives of Vinny's family members have changed after the arrival of new baby? नया बेबी आने के बाद में निम्मी की फैमिली में सबका चेंजेस कैसे हुआ? I will how will निम्मी spend her day now? कौन बताएगा अभी निम्मी अपना दिन कैसे गुजारेगी? भूमिका पांचाल बताओ ना, what निम्मी will do? She will spend some time with the baby sister. थोड़ा सा time spend करेगी वहाँ पे, भी सकते हैं छोटा सा space है ना, then you can write. मैम आपकी आवाज कट कर आ रही है. यू राइट दैट स्पेंडिंग टाइम विद बेबी सिस्टर, बेबी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेगी है ना, देन और यू कैन कीप इन योर माइंड आल्सो देयर आर सम स्पेसेस देयर इन फ्रंट ऑफ दिस कि निन्नी कैसे काम करेगी. यहाँ पर टू लाइंस में लिख दो, स्पेंडिंग टाइम विद बेबी, बेबी के साथ थोड़ा खेलेगी और प्लेइंग विद बेबी भी लिख सकते हो, एंड देन हेल्पिंग फादर, फादर की हेल्प करेगी. मैम एंड स्टडी. Children, please turn on your video so that I can see कौन कौन लिख रहा है, कौन नहीं लिख रहा है. Mom and study. Yeah, study on her own. उतना space नहीं है ना, जब when I give you notes ना, then that will give. Next question is, what new word mother has to know mummy के लिए? Generally, mummy के लिए नया काम क्या है? To take care of her baby. Baby. To take care of the baby. ये मम्मी के लिए नया काम हो गया. And third one is, there will be a change in daily work of Mimi's father, grandmother, uncle के arrival of new baby. क्या क्या काम है वो, that I'll give you in your notebook, क्योंकि यहाँ पे space नहीं है. पापा को household में help करना पड़ेगा. Father has management. All the work that is done by mother in the kitchen, that also we have to now help in household work. Done? Bhumika, kya hua? Harshita, the class khatam ho gaya. Ma'am. फैमिली में चेंजेस ऐसे भी आ सकते हैं, अगर हमारी फैमिली छोटी है और हमारे रिलेशंस की फैमिलीज एक फैमिली में आ जाएंगी तो हमारी फैमिली में बड़ी हो जाएगी और चेंज आ जाएगा. That is if people are still living in joint family. पर कोई हमारे घर आके परमानेंट रहता नहीं, जैसे रिलेटिव्स कभी आ जाते, they come for a short period. वो विजिट करने आते हैं कभी थोड़े टाइम के लिए, पर लॉन्गर टाइम के लिए नहीं आते है ना. लेकिन कभी ऐसा हुआ कि दादा दादी परमानेंट तुम्हारे पास शिफ्ट हो गए, स्वयश हैज डन हियर शोन मी अ थंबगुड है ना, तो परमानेंट नहीं आते. इफ योर ग्रैंड पेरेंट्स परमानेंटली कम एंड स्टार्ट स्टेइंग इन योर होम, अगर परमानेंटली तुम्हारे घर में आके रुकने लगे तो चेंज होगा. दैट इज ऑल्सो वन पॉइंट. इफ योर वेल रिलेशन ये भी तो हो सकते हैं ना, जैसे कोई किसी को राखी बांध दे तो वो उसके रिलेशन में और भी बढ़ जाएगा. लेकिन वो तुम्हारी फैमिली में आके साथ में रहने नहीं लगेगा. लेकिन आई हैव सीन किसी को हायर स्टडी करना होता है, लाइक कोई कोटा में आके पढ़ने लगा तो उनके पेरेंट्स बोलेंगे हम स्टेट में रहते हैं तो आप अपने घर पे रख लो उसको टू इयर्स के लिए है ना. तो वो जब टू इयर्स के लिए वो बच्चा आके तुम्हारे घर में रहने लगेगा, देन देयर इज अ चेंज. तो तुम्हें उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, अपनी स्पेस देनी पड़ेगी, अपने को बहुत शेयर करने पड़ेंगे है ना, मॉर्निंग का टाइम पूरा शेयर करना पड़ेगा. इट इज वेरी यूनिक
बट इट रेयरली हैपेंस, ऐसा थोड़े टाइम के लिए होता है, परमानेंट चेंज नहीं होता है. ओके, शैल वी मूव ऑन? मैम, यस मैम. ओके, नाउ वी कम डाउन. हैज अ ब्रदर और सिस्टर बीन बोर्न इन योर होम और इन योर हाउस एंड नेबरहुड? अगर तुम्हारे घर के आसपास या तुम्हारे खुद के घर में कोई बेबी बॉर्न हुआ तो उसकी यहाँ पे डिटेल लिखना है कि वो बेबी कब बॉर्न हुआ था, वो गर्ल था या बॉय था, तुम्हारा उससे क्या रिलेशन है, वो कहाँ पर बॉर्न हुआ था, बेबी किसकी जैसा दिखाई देता है, उसके हेयर का कलर क्या है, उसके आईज का कलर क्या है, उसके टीथ. पूरी मेरी फैमिली में तो सबसे छोटा मैं ही हूँ. पर तुम्हारी फैमिली के या आसपास में कोई बेबी होगा, छोटा बेबी, या तुम्हारी जो बड़ी फैमिली है पूरी गांव में या कहीं नेटिव प्लेस में? अगर किसी के घर में बेबी है नहीं, आसपास भी नहीं हुआ है किसी का बेबी, कोई आंटी को भी नहीं जानती जिसका छोटा बेबी है, तो मम्मी से खुद के बारे में पूछ के लिख देना. जब तुम छोटे बेबी थे वो वाला डिटेल लिख देना, कब बॉर्न हुए थे, क्या खाते थे, हेयर कलर क्या था, आई कलर क्या था, किसकी जन्म. मेरे तो यू कैन राइट अबाउट, प्लीज बिना परमिशन बोला मत करो. ओके, तो अपने बारे में लिख देना सारा डिटेल, फिर मैं कल पूछूंगी कौन कौन कैसा दिखता था, मम्मी के जैसा के पापा के जैसा. ओके, ये सारे डिटेल तुम्हारी मम्मी को पता होगी तुम्हारे बारे में, तो योर मदर विल टेल यू. ओके, नाउ कम डाउन, दिस इज अनदर फैमिली बट नाउ लाइक न्यू प्लेस. ये जो हम दूसरी फैमिली के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं पिक्चर, ये टेजरिंग की फैमिली है, इसके ऊपर लिखो टेजरिंग फैमिली. न्यू प्लेस के आगे राइट, शिफ्टिंग टू अ न्यू प्लेस, जो हम लोगों ने ट्रांसफर का है रिसेप्शन में क्या था, गोवा. तो इन न्यू प्लेस शिफ्टिंग टू अ न्यू प्लेस, न्यू प्लेस जो that was about Nimbi and the family that we are going to learn now is Tazari's family. Gunjan, बताओ what is this? क्या नाम है इस बच्चे का? Gunjan बताओ. Tar Singh. Tazari's family. वैसे तो टी को रीड नहीं करता पर it sounds little weird. That's I'm reading it. Tazari's family. इनकी family में क्या हुआ था? इसके पापा को प्रमोशन मिला और दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया. सोयश, व्हाट डू यू वांट टू से? सोयश को कुछ बोलना? नो मैम. ओके, जो फर्स्ट फैमिली हमने पढ़ा था दैट वाज निमी फैमिली, नाउ दिस इज टेजरिंग फैमिली. टेजरिंग फादर, टेजरिंग अंडरलाइन करो, टेजरिंग के जो पापा हैं रिसीव द लेटर फ्रॉम हिज ऑफिस, उनको ऑफिस से एक लेटर मिला. द लेटर सेड दैट, लेटर में लिखा था ही वॉज बीइंग प्रमोटेड. प्रमोटेड का मतलब होता है कि उनको हायर पोस्ट मिल गई. जैसे कभी कोई टीचर है वो थोड़े दिन के बाद में हेडमास्टर बन जाए या वाइस प्रिंसिपल बन जाए या प्रिंसिपल बन जाए, फिर उनका ट्रांसफर होके वो दूसरे स्टेट में चले जाए, दैट इज कॉल्ड प्रमोशन. ऐसे तुम्हारे पापा को भी कभी कभी प्रमोशन मिलता होगा, तो हमारे कांट साइड में ही मिल गया प्रमोशन तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन पापा अगर प्रमोट होकर दूसरे स्टेट में चले जाएं, that is called moving shifting from one place. प्रमोटर को भी अंडरलाइन करो. जैसे तुम लोग वन क्लास टू अदर क्लास में प्रमोट हो जाते हो ना, आगे बढ़ जाते हो, वैसे ही टेजरिंग के पापा को प्रमोशन मिला एंड वुड हैव टू मूव टू अनदर सिटी. अब प्रमोशन होने के बाद में उनको दूसरी सिटी में शिफ्ट होना. When टेजरिंग's father showed the letter to his family, जब टेजरिंग के पापा ने वो लेटर अपनी फैमिली को दिखाया, हाउ डू यू थिंक द डिफरेंट मेंबर्स वुड हैव फेल्ट? जो दूसरे मेंबर थे फैमिली के, ऐसा इमेजिन करो कि आज तुम घर में गए और पापा एक लेटर लेकर आया, पापा ने बोला कि मेरा प्रमोशन हो गया और आप लोगों को मुंबई शिफ्ट होना है, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? जब
मैम सैड, सबका सैड ही होगा क्योंकि इधर हमारे दोस्त हैं और हमें इधर रहने की आदत हो गई है, और हमारे दोस्त भी इधर ही हैं। जाओगे क्योंकि तुम्हारे सर्कल है, तुम इस जगह से अटैच हो। हो सकता है कि तुम्हारे पापा बहुत खुश हो, वो बहुत एक्साइटेड हो क्योंकि हम नई जगह पे जाने वाले हैं, उसमें अलग रूम में बैठेंगे। मम्मी थोड़ी सैड भी होगी और पापा के लिए हैप्पी भी हो जाएंगे कि हमें प्रमोशन मिला है, हम हमको अलग मिलेगा, बड़ा मिलेगा। और मम्मी सैड होगी क्योंकि मम्मी के फ्रेंड्स इधर है ना। सो एवरीवन, तुम चौथे कार्यक्रम का क्लास एवरी डे यू शुड अटेंड द क्लास। अभी एंड होने वाला है क्लास, तो यू आर ज्वाइनिंग द क्लास। तुमने अभी तक कुछ क्लास अटेंड नहीं किया है, एवरी डे क्लास में आया करो, करना चाहती हूँ। ओके, सो अलग अलग मेंबर्स जो है फैमिली के, आप सोचो अगर निम्बी की फैमिली होती तो वो छोटे बेबी को पता ही नहीं चलता पापा का प्रमोशन हुआ तो, क्योंकि वो तो पता ही नहीं है किसी के, है ना। तो अलग अलग मेंबर्स जो होंगे फैमिली में, उन सबका रिएक्शन, उन सबका फीलिंग अलग अलग होगा। तो इतना जगह जी ने बोला कि बहुत सैड हो जाएगा क्योंकि उसके सब फ्रेंड्स इधर ही छूट जाएंगे। तो यहाँ पे यू कैन राइट सम विल बी सैड एंड सम विल बी एक्साइटेड। सबसे लास्ट में पेज में स्पेस है ना, वहां पे सैड एक्साइटेड। और ऐसा मिक्स फीलिंग होगी, पापा के लिए बहुत खुश होगी लेकिन खुद के लिए थोड़ा सैड हो जाएंगे, तो मिक्स फीलिंग भी हो सकती है। तो सम विल बी सैड एंड सम विल बी एक्साइटेड एट द लास्ट लाइन। यू कैन राइट यहाँ पे जो लास्ट में स्पेस है ना, हियर यू कैन राइट सम विल बी एक्साइटेड एंड सम विल बी सैड। ओके, नाउ कम डाउन हियर। व्हाट विल चेंज इन केसरीन फैमिली आफ्टर हिज फादर्स ट्रांसफर। पापा का जब ट्रांसफर होगा तो क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे। देखिए, व्हेन आई मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ओके चिल्ड्रन दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ इसके आगे वाला क्लास Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am.